पार्टी बदलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो सिलसिला शुरू किया है वो मध्य प्रदेश में इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। कांग्रेस के कुछ और नेता अभी बीजेपी में जाने को तैयार हैं, तो बीजेपी में भी हालात माकूल नहीं है। यहाँ के भी कई विधायक और पूर्व मंत्री कांग्रेस का दामन थामने के लिए तैयार बैठे हैं, खासतौर से वो पूर्व विधायक जिनके टिकट पर सिंधिया समर्थकों की वजह से खतरा मंडरा रहा है। वो पार्टी बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हाट पिपलिया से चुनाव लड़ते रहे दीपक जोशी तो पहले ही बीजेपी को वॉर्न कर चुके हैं कि उनके लिए दूसरे विकल्प खुले हुए हैं। और भी कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक हैं जो पार्टी बदलने से गुरेज नहीं करेंगे। इनमें जिनका नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है उसमें दीपक जोशी के अलावा रुस्तम सिंह, लाल सिंह आर्य, भंवर सिंह शेखावत, पारुल साहू और ऐसे तमाम नाम हैं जो कभी भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं और उपचुनाव में सिंधिया समर्थकों की हार का बड़ा कारण बन सकते हैं। सियासी गलियारों में अटकलें हैं कि ऐसे विधायक और नेताओं की संख्या कम नहीं है। कम से कम 5 पूर्व मंत्री और 8 पूर्व विधायक कांग्रेस में जा सकते हैं और वाकई अगर ऐसा होता है तो चुनाव में बीजेपी के सियासी समीकरण काफी गड़बड़ा जाएंगे।